फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नगर निगम मेरठ ने बरसात के खतरे को देखते हुए बागपत अड्डे के 26 दुकानदारों को दुकान खाली कराने का नोटिस जारी किया तो आज हंगामा खड़ा हो गया। नगर निगम अफसर अपने सरकारी तौर तरीके पर टिके हुए थे तो व्यापारियों का कहना था कि प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इस लेंटर के कार्य को कराया जाए, तब तक व्यापारी अपना कामकाज ठप नहीं रख सकता है, बेहतर होगा कि व्यापारी खुद अपने खर्चे पर लेंटर डाल ले। इसे लेकर खासी बहस हुई। व्यापारियों ने इस नोटिस को तुगलकी फरमान की संज्ञा दी। बकौल संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, दुकानों का लेंटर व्यापारी ही डालेंगे, इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई है। बरसात के बाद कई जर्जर मकानों के ध्वस्त होने की घटना को देखते हुए नगर निगम मेरठ ने इन 26 दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे। संयुक्त व्यापार संघ अजय गुप्ता के पदाधिकारी आज इसके विरोध में नगर आयुक्त मनीष बंसल से मिले। वार्ता के दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता की नगर आयुक्त से तकरार भी हुई। देखिए, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है आज आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं। दूसरी बात यह है, ये कोरोना काल में व्यापारी भरा है, किसी अधिकारी की तनख्वाह नहीं रुकी, काम करा होगा अधिकारी ने तो तनख्वाह भी मिली है, चाहे तो भोजन भी मिला होगा, कोई तरह मेरा व्यापारी सड़क पे आ जाएगा, ये नहीं होने दूंगा, सिर्फ दमो रोक के देखा। आपको तत्काल आदेश करना चाहिए था, मैं कल से काम शुरू करा था, मैं नगर निगम की समस्या का समाधान करने आया था, लेकिन आपका मुझे अफसोस हुआ इस बात कि आज आपका आप जो काम बताए हम करने को तैयार है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप लोगों को होल्डिंग यूनिफॉर्म नहीं दिखाई दे रहे, करोड़ों रुपए का खेल नगर निगम में हो रहा है वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ व्यापारी दिखाई दे रहा है, उखाड़ी और हिम्मत उखाड़ी होल्डिंग यूनिफॉर्म जिस तरीके से आप काम दरअसल स्वयं लेंटर डालने की बात पर नगर आयुक्त का कहना था कि उन्हें अपनी दुकानें आज से ही बंद करनी होंगी, जब तक कोई निर्णय नहीं होता दुकान नहीं खोली जाएंगी। इस पर अध्यक्ष अजय गुप्ता व संगठन मंत्री राजीव गुप्ता काले भड़क हो गए। उन्होंने कहा कि वे व्यापारी को सड़क पर नहीं आने देंगे, अगर इस काम को नगर निगम पर छोड़ा गया तो सब कुछ भगवान भरोसे ही चलता रहेगा, पता नहीं कब टेंडर छोड़े जाएंगे, कब निर्माण होगा और निर्णय कब व्यापारी अपनी दुकान खोल पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।